हेलो एवरीवन, आज हम कंडीशनल ऑपरेटर के बारे में बात करेंगे। इसमें एक कंडीशन होता है जिसमें ट्रू और फॉल्स चेक किया जाता है। जैसे अगर कोई बड़ा नंबर है तो वो बड़ा नंबर रिटर्न होकर के वैल्यू मिलता है। तो इसका प्रोग्राम बनाने के लिए सेम पूरी प्रोसेस करेंगे हम। यहाँ पे लिखा इंक्लूड इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, और यहाँ पर हम शुरू करेंगे मेन फंक्शन, इसको हम लोग फंक्शन बोलते हैं। यहाँ से हमारा प्रोग्राम भी शुरू होता है। और ये जो मिडिल ब्रैकेट दिख रहा है, मिडिल ब्रैकेट में इसके अंदर हम प्रोग्राम लिखते हैं। तो हम यहाँ पर इंटीजर वैल्यू दिया, हमने इंटीजर दिया, और ए दो हम वैल्यू देते हैं, ए बी और एक हमने दे दिया मैक्स, जिसमें हमें मैक्सिमम नंबर फाइंड करना है। इसके बाद हमने दे दिया यहाँ पर सी एल आर एस सी आर, इसको लिख भी सकते हो नहीं भी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन इससे क्या होता है कि ये क्लियर स्क्रीन करता है कि प्रीवियस रिजल्ट अगर कोई आया है बैकग्राउंड में तो वो रिपीट नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद हम लिखेंगे प्रिंटअप। प्रिंटअप का यूज़ मैंने बताया है कि प्रिंटअप का यूज़ हम इसलिए करते हैं कि किसी मैसेज को प्रिंट कराना, ठीक है। लिखा इंटर, कोई भी जो वैल्यू कोई भी वैल्यू यहाँ पे आप लिख सकते हो, इंटर टू नंबर, और यहाँ पर लिखने के बाद इसको डबल कोटेड क्लोज और ब्रैकेट क्लोज और सेमी कॉलन का इस्तेमाल हम करेंगे। इसके बाद स्कैनअप, स्कैनअप से क्या होता है, इनपुट देना, ठीक है। प्रिंटअप प्रिंट करेगा और स्कैनअप इनपुट देगा। यहाँ पर हम दो इंटीजर मैंने लिया है, देखो यहाँ पर ए और बी लिया है, तो सेम हम दो परसेंटेज और डी का इस्तेमाल करेंगे। ये इंटीजर के लिए यूज़ किया जाता है जैसा कि मैंने बताया था। और इसको हम क्लोज करेंगे, कॉमा देंगे, और एम्परसेंट के साथ हम ए को भी जोड़ेंगे, इसके बाद एम्परसेंट के बाद बी को भी जोड़ेंगे, और इस ब्रैकेट को क्लोज करके सेमी कॉलन स्टेटमेंट क्लोज। इसके बाद हम तीसरी वैल्यू देंगे यहाँ पे मैक्स, ठीक है। हमने दिया मैक्स इज इक्वल टू, जिसमें हमें जो वैल्यू चलानी है, ठीक है। यहाँ पे यही कंडीशन ऑपरेटर हम यूज़ करेंगे। हमने दिया ए ग्रेटर देन बी, यानी ए बड़ा बी से बड़ा होगा, ठीक है। हमने दिया ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क का सिंबल लगता है जो कंडीशनल ऑपरेटर का ही सिंबल है। अब यहाँ पे ए कोलन और बी स्टेटमेंट क्लोज। अब हम मैक्सिमम नंबर को प्रिंट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये प्रिंटअप जो होता है नीचे वाला, ये मैक्सिमम नंबर को प्रिंट करेगा। एक और चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ कि जब हम किसी नंबर को एक लाइन में ना दिखा करके दूसरा लाइन इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हम एक और चीज़ यूज़ करते हैं। से ये आपने देखा कि ये जो स्लैश दिख रहा है और एन, इससे क्या होता है न्यू लाइन। हम यहाँ लिखेंगे ग्रेटर नंबर इज, और यहाँ पर हम कह सकते हैं इज इक्वल टू लगा सकते हैं, वो अच्छा वहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वहाँ पे वो दिखता है। और परसेंटेज डी ये मैक्सिमम के लिए यूज़ करेंगे हम, जो परसेंटेज डी इंटीजर वैल्यू है ये मैक्सिमम के लिए। और डबल कोटेड क्लोज करके यहाँ पे कॉमा देंगे और मैक्स लिख देंगे, ब्रैकेट क्लोज और स्टेटमेंट क्लोज, इंटर किया। अब यहाँ पर देखो एक चीज़ हम लगाएंगे गेट सी एच, गेट सी एच लगाते क्यों, हम गेट अ कैरेक्टर इसका मतलब होता है ना। अब ये वैल्यू बन चुका है, देखो यहाँ पर ये बाय डिफॉल्ट कोई नाम लिया है डॉट सी पी पी है, यानी सी प्लस प्लस का प्रोग्राम है, ठीक है। तो हम अभी बना रहे हैं सी का प्रोग्राम, तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, इसको हम सेव करना होगा। हमें फाइल पर क्लिक किया, ये रहा सेव, यानी एफ टू भी प्रेस कर सकते हैं, और फाइल का नाम लिखेंगे, लिखा कंडीशनल कंडीशन डॉट सी, क्योंकि सी का प्रोग्राम होगा तो आप सेव भी करोगे डॉट सी में। अब इस चीज़ को रन कराने के लिए कंट्रोल एफ नाइन प्रेस करो। देखो एक एरर दिखा रहा है यहाँ पे, तो एरर में क्या प्रॉब्लम है, ये यहाँ पर बता रहा है इंक्लूड, और यहाँ पे आप देख सकते हो जो डायरेक्टिव दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये भी प्रॉब्लम, जब भी कभी एरर दिखे तो आप बहुत ही ध्यान से देख लिया करिए, जो भी मैसेज बॉक्स आता है वहीं से उसको सही किया जाता है। कंट्रोल एफ नाइन करो। अभी एक और एरर दिख रहा है, देखो यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है, लिख रहा है सी एल आर एस सी आर, यानी जो डिक्लेरेशन सिंटेक्स है आपने रॉन्ग लिखा है, तो बता रहा है कि उसको आप सही करिए, ठीक है। तो कंडीशन जब भी प्रोग्राम आप रन कराओगे तो अक्सर एरर आएगा, उस एरर को पहचानना है। देखो डबल क्लिक करो, आपको एरर मालूम चल जाएगी, ये डिक्लेरेशन सिंटेक्स यहाँ पे प्रॉब्लम है, ठीक है। तो उस एरर को हम देख करके उसको फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे स्टेटमेंट जो क्लोज नहीं था हमने सेमी कॉलन क्लोज किया, अब इसको हम रन कराएंगे। अब यहाँ पे इंटर टू नंबर पूछ रहा है, यानी हम दो नंबर यहाँ प्रेस करेंगे। हमने प्रेस किया 15 और एक हमने प्रेस किया 5,
इंटरप्रेस करेंगे तो ये बता देगा ग्रेटर नंबर इज 15। और एक बार फिर से इसको देखना है, कंट्रोल एफ नाइन करो, और सॉरी यहाँ पे हम सेमी कोलन हमारे पास था, यहाँ पे सेमी कोलन, कंट्रोल एफ नाइन किया। अब यहाँ पे हम एक नंबर देंगे, पहला नंबर छोटा देते हैं और दूसरा नंबर हमने एक बड़ा दे दिया, नंबर हमने दे दिया 15। तो अभी जो भी 15 नंबर होगा यानी बड़ी संख्या होगी वहीं से वो फाइंड होगा। ठीक है, आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्त फ्रेंड लोग को शेयर कर सकते हैं।